आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में आज दो विधानसभाओं में डोर टू डोर रोड शो किया। सीसामऊ और आर्य नगर, इन दो विधानसभाओं में रोड शो किया। आपको बता दें कि सीसामऊ से सलीस विश्नोई और आर्य नगर से सुरेश अवस्थी के लिए जनसंपर्क और रोड शो किया। वहीं रोड शो में जनता का जनसैलाब उमड़ता देखा गया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया गया और वहीं वो उनके लिए जनता से वोट की अपील भी की गई। इस वक्त मौजूद है कानपुर की सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर देखा जा रहा है अमित शाह जी ठीक मेरे पीछे, जन सैलाब उनका देखते हुए, और अमित शाह को देख पूरा काफिला अमित शाह जी का हमारे पीछे है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि अमित शाह जी का काफिले को दिखाएं हमारी तरफ आते हुए, अमित शाह जी का काफिले में भीड़ देखते हुए और जनता का सैलाब देखते हुए। जी का काफिला अब दूसरी तरफ जा रहा है, हम दिखाना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट से कि उधर काफिला जा रहा है, उधर को काफिले को दिखाते हुए बहुत जन सैलाब था। बहुत आला अधिकारी भी मौके पर थे, शहर का सारा प्रशासन मौके पर था, और कहीं ना कहीं जन सैलाब को देखते हुए सिरसा मौके प्रत्याशी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं उनका ऐसा जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। ये एक अमित शाह जी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये पर यहाँ पर जो आए हैं इससे कहीं ना कहीं वोटर्स को, सपोर्टर्स को और वोटर्स को बहुत फर्क पड़ेगा। वीडियो निखिल गुप्ता के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज़ कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के चलते सभी प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कई अन्य छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रहे हैं। लखनऊ के पश्चिम विधानसभा से बसपा पार्टी से दावेदारी कर रहे कायम रजा खां को पासी सेन समाज का समर्थन मिला है। लेकिन अहम मुद्दे जो हैं यहाँ पे सीवर का, पानी का, निकासी का और पानी पीने की, लाइट की और रास्ते की, चार पांच मुद्दे अहम हैं। बाकी पढ़ाई की सुविधा यहाँ पे इस क्षेत्र में कहीं नहीं है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोई पूरे इस क्षेत्र में कोई नहीं है। तो इस अहम समस्या, छः सात समस्याएँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। उच्च विकास नहीं हुआ है, आज़ादी के बाद की सीट पश्चिम बनी थी, आज तक आप जाके सर्वे कर लिए फील्ड में, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। पूरे हालात इस सीट के लगता है कि बहुत जर्जर हम एरिया में आ गए हैं, कहीं बहुत आउटसाइड हम आ गए हैं। लगभग हमने 10,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया, सपा, भाजपा और अन्य कांग्रेस से, कई अन्य पार्टियों से भी ज्वाइन कर चुके हैं लोग। अब वो हमारी पार्टी की नीति, हमारी अच्छाई वो देख के लोग हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे जो है पासी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये अपना पूरा समर्थन हमारा दे रहे हैं और पूरा वादा कर रहे हैं कि हम जिता के सीख। देखिए, मैं प्रदेश में काम कर रहा हूँ, 40 जिलों में संगठन है पासी समाज का मेरा, और हर जिले में लमसम 2,000 से 2,000 करता है मेरे पास। और हम लोग घटनाओं पे काम करते हैं, जहाँ पर भी हमारे समाज पर अत्याचार होता है, कोई भी घटना होती है, हम उस पर काम करते हैं, अपने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने काम करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले उन्नाव में असोहा क्षेत्र में हुई घटना, उसमें हम लोगों ने जो है वहाँ पर धरना वरना रखा, एक हफ्ते में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज वो जेल में हैं। मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू की सरकार परिवार के लिए चलती थी, सपा सरकार में एक जाति विशेष का काम होता था, जो बहन जी की सरकार में दूसरी जाति के लिए लोगों का काम होता था। भाजपा सरकार ने प्रदेश से जातिवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया है और भाजपा ने सबका साथ सबका विकास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो हमारी सरकार यूपी में आने के बाद पूरा होगा, भाजपा जो कहती है वो पूरा करती। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन मोड़ गांव के बाहर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि जाति धर्म मुक्त देश करो, जो ज्ञान देती है वही ब्राह्मण है। 24 करोड़ लोग कुंभ स्नान करके चले आए। इस बार सरकार बनने के बाद किसानों के सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही साथ जानकारी दी कि नकल विहीन परीक्षा में
उन्नाव का नाम हुआ है। वहीं उन्नाव में एक दलित युवती की हत्या कर दी जाती है, उसका आरोप सपा पर लगता है। सपा ऐसे लोगों को आश्रय देती है। फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी से काफी आगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 500 प्रति महीने पेंशन की जगह 18,000 साल की पेंशन दी जाएगी और पूर्व में जो समाजवादी पार्टी ने जनता को योजनाओं का लाभ दिया है वह पुनः लागू किया जाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां गोसाईगंज विधानसभा के लगभग 5,000 मतदाता इस बार 2 फरवरी को मतदान नहीं करेंगे क्योंकि इस गांव के लोगों को अपने जनपद का ही पता नहीं रह गया। दरअसल अयोध्या जनपद के राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत माझा काजीपुर व माझा रामपुर पुवारी के ग्रामीणों का नाम खारिज कर दिया। इसको लेकर अब ग्रामीणों में नाराजगी है। कि हमारे आजा बाबा बाप के जमीन नाम से थे और आज वो ख़त्म कर दिए गए और नक्शा भी ख़त्म हो गया, नक्शा भी नहीं मिल रहा है और बैंक में जो है केमसी बनी है वहाँ जो है अब वो सब का खाता सील कर दिए, सब कुछ कर दिए, अब वो कैसे बनाए और उसके बाद अब नेट के नकल मांग रहे हैं। तो ये हमको चाहिए कि जो हमारे आजा बाबा की ज़मीन थी आज वो नहीं है, लेकिन वो जमीन नक्शा जो गायब हो गया तो हमको वो चाहिए, हमें जमीन चाहिए। हमारे गांव का खेतवनी कुछ भी नहीं है, वोट मांगने आते हैं लोग, हम लोग मतदान किस लिए करें जब हमारा किसी गांव में हमारा नाम नहीं है, हम किसी जिले के नहीं हैं, तो हम मतदान करें किसके नाम पर करें। आप लोग से गुजारिश है कृपा करके आप लोग हमें हमारे गाँव का आकर के एक बार जरूर इसको देखिए। सबको खेतियाउनी ना है का वोट दे के हुके देव ना है, हम पुरखा पुरानी अमल गुजारी देते रहने आए, अब तो उन कहाँ चल गए खेतवा, हमन का खेतियाउनी नहीं करी अब खेत पाई तब वोट दे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर धानपुर से सपा प्रत्याशी और सपा के राष्ट्रीय सचिव मनीष कुमार सिंह डब्लू मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण पर रहे। इस दौरान उन्होंने हिगुतरगढ़ बड़ेपुर और खोर गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से समाजवादी पार्टी के हक में मतदान का आह्वान किया। उन्होंने क्षेत्र के गंगा कटान की समस्या को दूर नहीं कर पाने के मलाल को भी खुले मन से जनता के सामने रखा और भरोसा दिया कि अब की बार धानापुर इलाके में कटान की समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही माधोपुर में कृषि विश्वविद्यालय बनाने के वादे को दोहराया। साथ ही उन्होंने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को अहम मुद्दा करार दिया। वहीं रायबरेली जनपद इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज रायबरेली में लगातार दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिखाई दिया। इसी क्रम में किसान संयुक्त मोर्चा से योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। योगेंद्र ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम किसी भी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदाताओं से वोट की अपील करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है। योगेंद्र यादव ने बीजेपी को वोट न देने की अपील की। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रायबरेली के हरचंद्रपुर विकास खंड में अलचुसलेश्वर रहवा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा हमारे दो राजीव गांधी ने कहा है आज केवल दो रह गए हैं और अब की बार एक ही रह जाएगा। अखिलेश यादव पर हमलावर होते उन्होंने कहा यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पश्चिम के दूसरे चरण के चुनाव को देखकर मायूसी छा गई है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 700 दंगे हुए थे और मौजूदा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। दिनेश शर्मा ने कहा कि रायबरेली जनपद में विधानसभा की सभी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जा रही है। योगी जी का चमकता हुआ चेहरा आपने कल देखा होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली में बोलता हुआ विश्वास देखा होगा और लगी हुई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की लाइनें आपने मतदान केंद्रों पर देखी होगी। और मैं समझता हूं कि
जो कहते थे ना यूपी के दो लड़के, मुझको नहीं लगा कि वो कहीं फड़के, बल्कि अब आपस में 10 मार्च को परिणाम आने के बाद आपस में भड़के ये लोग बोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए फिरोजाबाद पहुंचे हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सिरसागंज में सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने विपक्षियों पर हमलावर होते हुए भाजपा प्रत्याशी हरिओम यादव के लिए वोटिंग को लेकर जनता से अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकारों में किसान को फायदा मिल रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्रा ने मंगलवार को मैनपुरी में बसपा प्रत्याशी गौरव नंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बसपा ही प्रदेश के कानून का राज दे सकती है। बसपा और भाजपा सरकारें प्रदेश के विकास नहीं करा रही हैं। अपराधी दोनों सरकारों में खुलेआम घूम रहे हैं। बसपा में समाज का हर वर्ग सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा मिलकर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। बता दें कि उनके साथ में उनके पुत्र कपिल मिश्रा और बसपा सरकार के पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे भी थे। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक बनाने मात्र का नहीं है, बल्कि चुनाव उत्तर प्रदेश का में हो रहा है और चर्चा पाकिस्तान मीडिया में हो रही है। योगी मोदी जी से ज्यादा खूंखार है। साथ ही निरंजन ज्योति ने कहा कि जिस चुनाव को लेकर पाकिस्तान की नजर हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि पाकिस्तान लट पड़ जाए। सिर्फ विधायक बनाने मात्र के लिए नहीं है यह चुनाव। यहाँ से मनोज प्रजापति विधायक बने इसलिए नहीं है यह चुनाव। आप देख रहे हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पाकिस्तान की मीडिया वहां डिबेट कर रही है कि योगी मोदी जी से ज्यादा खूंखार है। अब आप कल्पना करिए जिस चुनाव को लेकर के पाकिस्तान मीडिया की मीटिंग आए हो, और एक बात याद रखिएगा, ऐसा काम मत करिएगा जिसके हारने पर पाकिस्तान में लट्टू बने। फतेहपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार है और दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। व्यापारी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर, और इस लड़ाई को प्रियंका गांधी निरंतर लड़कर जनता को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है। वह चुनावी सभा के बाद हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी के समर्थन में श्री बघेल द्वारा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के एनएच 28 पर एसडीएम हरैया और पुलिस टीम ने विधायक के नाम पर लिखी गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। गाड़ी में 15 पेटी देशी शराब और चुनाव सामग्री बरामद हुए हैं। पुलिस ने ड्राइवर समेत गाड़ी को जब्त कर लिया। बता दें कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन विक्रम ज्योत ब्लॉक प्रमुख कृष्णा कुमार सिंह के नाम से है। कृष्णा कुमार सिंह बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अजय सिंह के भाई हैं। जिस समय गाड़ी का चेकिंग की गई, गाड़ी में ब्लॉक प्रमुख मौजूद नहीं थे। ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है। गाड़ी में 15 पेटी जो देसी यहाँ की बनती बबली होती है उसको पकड़ा है और उसके संबंध में छानबीन चल रही है। डिटेल्स अभी तक बिना छानबीन के नहीं बताया। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमत से पशुपालक परेशान है। जहां एक ओर किसान खाने पीने के सामान पर महंगाई की मार से त्रस्त आ रहा था, अब महंगाई का सीधा प्रभाव पशुओं पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पशुओं के चारे से रूप में प्रयोग किए जाने वाला भूसे की महंगाई की जद में नजर आ रहा है, और जिसके कारण किसानों के द्वारा पशुओं के लिए भूसे की जगह पर ईख का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गन्ने की ईख किसानों के द्वारा सस्ते दामों में लेकर पशुओं के चारे
के लिए उपयोग किया जा रहा है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास का है। भैया बहुत महंगा बहुत, तो क्या खवामे बोइनो चक्कर जे, और फिर जो गैया भैया डोल रहे जी हथका न्यारे, तो हमारे सबरे जे ही खा जाते हैं, तो जो हमारे भैया ईख जो है लेके जानी पड़ी है खरीद के। भैया ईख की भैया बहुत डिमांड है, जाती तो मान लो यहाँ रखी है भैया, आधे न्यारे तो जो है जी गैया भैया डोल लेना जी खा जाता है, क्या करें। क्या कारण है जैसे जो है आपको ईख खरीदनी पड़ रही है, क्या कारण है भैया? बहुत जो है बहुत महंगा चल रहा चारा, बहुत महंगा ईख जो है सस्ती पड़ रही है थोड़ी सी, जाके वे तो ईख खरीद के ले जा रहे हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना शहर कोतवाली के लक्ष्मण प्रसाद गली वासिलगंज में व्यापारी अनिल अग्रहरी का घर एक हफ्ते से बंद पड़ा था। मकान पर चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए के साथ पुश्तैनी जेवर नगद और सामान हाथ साफ कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के हमीरपुर जिले में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव और कांग्रेस के पे निशाना साधा। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे उतरने के अखिलेश के बयान का काट करते हुए कहा कि चेहरा कैसे उतर सकता है, सपा साफ हो गई है। पिछले 5 सालों से अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोरोना काल में बसपा और सपा के सारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।